अगर आपने अब तक मेरे चैनल रक्षा फूड जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड, मैं रक्षा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ड्रम स्टिक करी। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट। ड्रम स्टिक करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक को पील करके मैंने इस साइज के टुकड़े बना लिए हैं। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को हमने भूनकर उसके ऊपर का जो छिलका है उसे निकाल लिया है और उसका मैंने पाउडर बना लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, एक टी स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून राई के दाने, बारीक कटी हुई हरी धनिया, 5-6 करी पत्ते, नमक और तेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, उसमें 1 कप पानी डाल देते हैं। सबसे पहले हमें ड्रम स्टिक को उबाल लेना है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देते हैं। देखिए पानी में उबाल आ चुकी है, अब हम इसमें ड्रम स्टिक को डाल देते हैं। अब हमें ड्रम स्टिक को 70 से 80% तक कुक होने तक उबालना है। तो चलिए जब तक ड्रम स्टिक उबलती है तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। मैं इस पैन को दूसरे गैस पर शिफ्ट कर देती हूँ। अब यहाँ मैंने गैस पर दूसरा पैन रख दिया है, उसमें तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, राई डाल देते हैं, जीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज डाल देते हैं, करी पत्ते, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब टमाटर डाल देते हैं। हमें बीच बीच में ड्रम स्टिक को भी चेक करना है, हमने दूसरे गैस पर उसे रख दिया है। अब सूखे मसाले मिलाते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मसालों को भून लेते हैं। देखिए सब्जी का मसाला बिल्कुल तैयार है। तो चलिए एक बार हम ड्रम स्टिक को चेक कर लेते हैं। देखिए ये 80% तक कुक हो चुके हैं, हम गैस को बंद कर देते हैं। अब जो मसाला हमने तैयार करके रखा है उसमें हम ड्रम स्टिक को डाल देते हैं। इस पानी का भी हम यूज़ करेंगे। एक बार मिक्स कर देते हैं। नमक डाल देते हैं, और लास्ट में जाएगा मूंगफली का पाउडर, भुने हुए मूंगफली का पाउडर, इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि ड्रम स्टिक पूरी तरह से पक जाए। चलिए 2 मिनट के बाद ढक्कन को हटाते हैं। सब्जी बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया मिलाते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। सो लीजिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ड्रम स्टिक करी तैयार है। आप भी तैयार कीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना ना भूलिए।